हेलो एंड वेलकम टू रेस एकेडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल सारे नूं, नमस्ते आदाब। सो अज सीगा जेल सुपरिटेंडेंट दा पेपर। सो जेल सुपरिटेंडेंट दा पेपर तुसी दे आए हो, नाल दी नाल मैनू फोन भी आ गए ते आपां उहदे रिव्यू दी चर्चा करनी आ, जिन्हें मैनू खुशी दित्ती आ इन्नी वड्डी समाइल दे नाल। क्यों क्यों के क्वेश्चंस आ गए इहदे विच, सौखे कह लो ते जां फिर ओह कह लो जो आपां कीते होए ने, राइट। सो चलो आपां रिव्यू दी गल करदे। मेरे कोले हजे पूरा पेपर तां नहीं आया क्योंकि नैटवर्क इशू सी उहनां कोले। सो पूरा पेपर भी शाम तक मे भी कोई ना कोई स्टूडेंट मैनू कर ही दूगा। जेकर तुहाडे कोले हैगा तां उपरला नंबर चली जांदा, प्लीज़ मैनू अपना कंप्लीट पेपर वट्सअप कर दो तां कि आपां फिर उहदा कंप्लीट रिव्यू कर सकीए, कंप्लीट अनैलिसिस कर सकीए, कंप्लीट कट ऑफ वगैरह उहदी आपां देख सकीए, राइट। सो फिलहाल मैं तुहानू क्वेश्चन दिखाउण जा रहा हाँ। क्या बात है यार, नज़ारा आ गया। यानी कि जो 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 हमने किया था वही कुछ आयागा। जेकर तुसी एक चीज़ देखो ना, एक चीज़ नोट जरूर करियो कि इस तो पहले मास्टर केडर का पेपर होया सीगा, मास्टर केडर की कट ऑफ जरूर हाई गई है, बट आया उही कुछ है जो जो आपां कीता गा, राइट। सो कहिंदे हुंदे वी पहला नहीं कहना चाहिए वी साडे किराए चो आऊगा, जो आ जाए उदों कहना चाहिए। सो सारयां नूं ही पता कि आपां किवें पढ़ाई दा, सारा कुछ तुहाडे सामने पिया गा। तो आहे सामने देखो मेरे को जो जो क्वेश्चन आए हैं, जिमें कि द आर्टिकल 51A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़। की है भी मतलब किस दे मूल आ, सिटीजन की ड्यूटी होंगी है अपने, सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। सो उन्हों की ड्यूटी बनती है अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिन्होंने आप कहने पार्ट 4 ए एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, तीन बारी नहीं, चार बारी नहीं, बहुत वार पढ़ाया, राइट। इस तो पहले DPSP आ पार्ट 4 ए स्टेट दी ड्यूटियां, फंडामेंटल राइट है जिहड़े अपने अधिकार है। सो आप बहुत बार पढ़ियागा। सो वेरी वेरी नाइस पेपर, बहुत सौखा पेपर, कोई बाली वड्डी गल नहीं सीगी। इस तो बाद जेकर मैं गल करा निचले पोर्शन की, निचले पोर्शन की जेकर गल करिए दूसरा क्वेश्चन देखो किन्ना किन्ना सरल क्वेश्चन है। वट इज़ द मैक्सीमम जी इंटरवल बिटवीन द टू सैशन होंगे, 6 महीने, राइट। सो एक किन्ने बारी क्वेश्चन किया, एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, बहुत वार क्वेश्चन आप किया गा। सो गलत यह किसी का भी होना चाहिए नहीं। इस तो बाद जेकर मैं गल करा नीचे की, तो उस तो बाद आ गया तो द प्रेजीडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या बात है, किन्ने वार किया है यह भी क्वेश्चन। सो चीफ इलेक्शन कमीशन ये बारे कदों चर्चा हुई है, जो मैं मजोरिटी पढ़ाता स्पैशल मजोरिटी पढ़ाई सी, राइट। तो उदो मैं दसाया कि जेकर चीफ कमिश्नर कमिश्नर जोड़ा है रिमूव करना पैंता तो बेसिकली 2/3 मजोरिटी चाहिए है। 2/3 मजोरिटी की होगी भला, कि बोथ हाउसिस रेजोल्यूशन पास हों, द रेजोल्यूशन इज पास इन द बोथ हाउसिज ऑफ पार्लीमेंट। सो किन्ने बारी डिटेल आप इस चीज़ में पढ़ चुके हैं। सो वेरी गुड, राइट। ओके, जो तुम फोन करके एक कॉल दे रहे तो पता लगे कि जो क्वेश्चन करवाए से आ गए, वो बाहरों नहीं आया, तो इस तो वड्डी खुशी कुछ नहीं हो सकती किसी भी टीचर वास्ते, राइट। सो ये आया गा, सो सारा कुछ ओके आ, राइट हो गया। इस तो बाद जेकर मैं गल करा हिमाचल प्रदेश, बिकॉज की क्वेश्चन है, हाँ ये हिमाचल प्रदेश की स्टेट का नंबर पूछा होगा, बस हिमाचल प्रदेश भारत का राज बनिया। एक तुम चीज़ दिखाव एक तुम चीज़ दिखा चलो 71 के 1971 के आप हिमाचल प्रदेश जी यूटी से उन्होंने स्टेट बनाता, एंड किन्नी स्टेट बनूगी 18th स्टेट। इन्होंने याद करने का ढंग भी रट्टा लाने की लड़ ही है, हूँ भी थोड़े याद ही होगा। जेकर मैं तुम्हें पूछा कि 15 स्टेट इतने ही तुम आ शाह कमीशन लिखा हुआ, देखो कि रेकमेंडेशन से बेसिकली अपने बनेगा मास्टर तारा सिंह अर्गिया ने। तुम्हें पता है कि सारा पंजाबी सूबा मूवमेंट जी आप गल करते हैं भी वो वास्ते, उस तो बाद अपनी सारिया मूवमेंटा चलिया, तो पंजाब हरियाणा हिमाचल, हिमाचल यूटी बनया सीगा, उस तो बाद स्टेट बने 1971 दे विच जाके, राइट। सो एक केड़ा कमीशन आया सी, किदी रेकमेंडेशन ते ए होयागा, शाह कमीशन, इहदे ते भी क्वेश्चन आ रखिया, राइट। इहदे ते भी क्वेश्चन आ रखिया, विच ऑफ द फॉलोइंग अपैक्स बॉडी इन पंचायत राज। सो जिला परिषद तुहाडी अपैक्स बॉडी हुंदी आ, बहुत ही सौखा क्वेश्चन। इस तो बाद जेकर आपां गल करिए, इहनूं जूम थोड़ा जिहा जूम इन कर लईए, आ गया तुहाडा विच की है, विच प्राइम मिनिस्टर हैड कॉइंड द टर्म जय जवान जय किसान। देखो तो तीन क्वेश्चन बनते हैं, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, जिहड़ा कि लेटेस्ट PM मोदी द्वारा होया, राइट। हो गया, चार क्वेश्चन पूछे जा सकते इतों, ओके ओके, तीन क्वेश्चन।
हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी अपॉइंट नॉमीनेटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया पार्लीमेंट के प्रेजिडेंट द्वारा। सो लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला के 14 आंसर आऊगा, बहुत सौखा है। 12 नॉमीनेट किए जाते हैं, दो नॉमीनेट किए जाते हैं लोकसभा के, 12 किए जाते हैं राज्यसभा के, राइट है। सो बहुत बहुत बार ये पढ़े चीज़ों को आप। सो भाई इन्हां चीज़ों को जेकर तुम सही करके आ क्या बात है, ये अपन परसों किया डी एन टी सीरीज अपनी इन्नी ज्यादा मशहूर है। हु इज़ द फस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया, फस्ट लॉ ऑफिसर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो कि लेटेस्ट 26 जनवरी पा रखी है, ठीक है। सो कि लेटेस्ट है, सो कि सोहना यार, मतलब सुकून देने वाले होंगे भी हाँ जितों आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मैं पॉलिटी पढ़ा, राइट, मैं पॉलिटी पढ़ा, पंजाब जीके वगैरह पढ़ा, तो थोड़ा पता कि उतों पोर्शन, इस तो पहले मास्टर कैडर का पेपर होया, भी क्वेश्चन पंजाब जी के, 75 क्वेश्चन पॉलिटी के, एक भी क्वेश्चन बाहरों नहीं आया, एक भी। सो मैं कदे भी वैसे 100% की गरंटी अज तक ली नहीं, कदे नहीं कहता हूँ भी 100% आऊगा, पर मैं ये जरूर कहना हूँ भी जो करवाया जो तुम कर लिया तो वह 100% आ सकता, पर उही गल है भी करन दी अप्रोच कंसैप्चुअल होनी चाहिए, रट्टे वाली नहीं होनी चाहिए। यह तो चलो एज इट इज़ तुम्हें क्वेश्चन मिली जाते हैं जोड़े मैं तुम्हें दिखा रहा, कई चीज़ें कंसैप्ट तो निकल के आदि जी चीज़ें बोलियां होंगे, राइट। हूँ कली कली वीडियो मेरी घट्टो घट्ट 1000 वीडियो पई हैं, हम कली कली वीडियो के मैं तुम्हें कली कली चीज़ तो दिखा नहीं सकता। सो मेरे कहने का मतलब यही है भी कंसैप्ट ते जोर लाओ, रट्टे ते जोर कदे नहीं लाना। मैं हमेशा हमेशा किसी भी, चाहे डी एन टी देख लो, चाहे कोई भी मेरे पेड कोर्स है, चाहे कुछ भी है, राइट, हमेशा मैं कंसैप्ट ते जोर दिता भी कंसैप्ट रट्टा नहीं लाना, रट्टा नहीं लाना, रट्टा लाओगे मरोंगे। जिमें क्या क्वेश्चन है हूँ ये जमा थोड़ू, वैसे जो मान लो हूँ एज इट इज़ मैं कहाँ कहूँ एज इट इज़ क्वेश्चन मैं करवाया हुआ, देखो आ गोला लग्या हुआ बच्चे का, राइट। उसमें मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन करके नहीं आया, इस करके गोला करया होगा, पर उही गल कंसैप्ट वाली आ जाती है, जे कंसैप्ट दिमाग दे विच रहूगा इहदा आंसर भी सखा लग सकदा सीगा। की लिखिया पहला हेठ लिखिया विचों किहड़ी एजेंसी जिम्मेवारी सौंपी गई है कि भारत में जो भी सरकारी जिहड़ा यानी कि खेत्र यानी कि लेखा जोखा जिहड़ा हुंदा ऑडिट का, राइट। सो कैग है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हो गया, राइट, एसो सी, चलो खैर। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन पंजाब वाज फॉर्मड एज यूनीलिंगुअल स्टेट फॉर पंजाबी, अच्छा अच्छा सा कमीशन, तो यह तो हूँ ही मैं दस कहता कि पंजाब बनया अपना, तो ओके हो गया, राइट हो गया। सो पंजाब फॉर्मड ओके है आर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आ जोड़ा पाया इतने देख लो, राइट हो गया। इस तो बाद तो आ गया ये हो गया, चलो मेरे कहने का मतलब आप मैं पूरा पेपर सेंड करो, आ विच इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। स्टैटिक जीके की एक ही एक क्लास पाई है मैं, पटवारी वास्ते पाई सी वैसे तो मैं, वो क्वेश्चन आया हुआ है तो देख लो जाके, वो भी वीडियो पई है यूट्यूब पर, अच्छा। तो होर ये की आया गा, हू अमंग द फॉलोइंग हैड ड्राफ्टड द डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पलेज, महात्मा गांधी, राइट। सो 1929 जिहड़ा सैशन से जिन्होंने आप लाहौर सैशन कहने, आप उदो कहने कि पूर्ण स्वराज की मांग हुई सी, पूर्ण स्वराज की मांग किने की सी भला, जवाहर लाल नहरू ने, राइट। आते उदो जिहड़ा ड्राफ्ट पूर्ण स्वराज का जिहड़ा सीगा वह तो बाय जवाहर लाल नहरू सीगा, बट जेकर आप डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पलेज की गल करिए ड्राफ्टड बाय महात्मा गांधी, राइट। 1930 लिखा होगा इतने, हाँ 1930 है, ओके हो गया। सौखा क्वेश्चन हो गया। इस तो बाद आ गए किला रायपुर इन पंजाब इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, किला रायपुर, रूरल ओलंपिक्स, लुधियाना, ये भी मैंने वीडियो मिल चुकी है, राइट। सो चलो खैर ये चीज़ा मैं कोई वो नहीं है भी इन आप शो ऑफ कर रहे हैं, एक रियालिटी पता होनी चाहिए, राइट, रियालिटी होनी चाहिए। ऐसा हम सारे क्वेश्चन के कले कले मैं वीडियो दिखा नहीं सकता, उही गल कि कंसैप्ट ते जोर देना। मैं हजे भी जेडे पटवारी की तैयारी करते हैं या नायब तहसीलदार की तैयारी करते हैं किसी भी पेपर की तुम तैयारी करते हो, एक बार तैयारी होंगी, वार बार तैयारियां नहीं होंदिया। आप करते हैं नायब तहसीलदार के जाने तो नायब तहसीलदार की तैयारी करते हैं, पटवारी है तो पटवारी की तैयारी करते हैं, आसे पासे भी थोड़ा यहोजा कुछ ही मिलता गा, ठीक है ना। सो मेरे कहने का मतलब यह है भी सबजैक्ट कंप्लीट करो, सबजैक्ट के मगर पो, जो सबजैक्ट के मगर तुम पै गए तो उस तो बाद ये चीज़ मान लो भी सबजैक्ट कंप्लीट तो फिर पेपर जो मर्जी हो, पर आप सबजैक्ट कंप्लीट नहीं करते, आप पटवारी की तैयारी करते हैं। मैं तो यही समझ लगती भी पटवारी की तैयारी किमें होंगी, नायब तहसीलदार की किमें होंगी, हाँ थोड़ा जहाँ तुम्हें वास्ट पढ़ना पैंता। मैं हमेशा कहना कि शॉर्टकट वाल ना भजो, वास्ट जेकर करोगे तो ज़्यादा वधिया रहूगा, राइट है। उदू बाद मैं लगता इंग्लिश लगती है मैनू, क्योंकि मेरे को पूरा पेपर आया नहीं गा, आ इंग्लिश ही है ना, ठीक है।
अज तो बाद मैथ वगैरह आ गया तो मैथ भी कोई बड़ा औखा नहीं आया क्योंकि मैथ आ जिम्मे डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है तुम पटवारी वाली क्लास जाके देखो हजे मैं परसेंटेज स्टार्ट ही करवाया सिर्फ चार लैक्चर करवाया परसेंटेज के मैं हजे वो 10-15 लैक्चर होर लगन गए परसेंटेज के सिर्फ परसेंटेज के मैं 10-15 लैक्चर लाऊंगा इस तो पहले टाइम एंड वर्क के मैं 10 चैप्टर करवाया टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन डिटो आया हुआ ये राइट है सो आह पहली चार क्लासा चु ही आ गया जोड़ा क्वेश्चन है राइट है पटवारी वाला जो आप कर रहे हैं बैच ओके हो गया उस तो बाद आई रीजनिंग है मैंने लगता ओके हो गया आह क्वेश्चन मैंसुरेशन है देखो कितना सौखा क्वेश्चन है यार ठीक है यह उस तो बाद भी करवा रखे कहने का मतलब ठीक है इस तो बाद आप होर चलो हूँ मैं बहुत क्लीयरली कलैरिटी दिख नहीं रहे जिमें आ मैं लगता शेयर की गल हो रही है भी इन्ना शेयर इज डिवाइडेड ए बी सी थ्री टाइम्स ऑफ सो उही गल आ जाती कि कंसैप्टां वल पाओगे तो ज़्यादा वधिया रहोगे कंसैप्टां वल नहीं रहोगे तो फिर भाई मरोंगे ही मरोंगे क्वेश्चनों बहुत बखूबी ढंग दे नाल तुसीं कर सकदे हो आह डायरेक्शन का मैनूं लगता ठीक है तो सीटिंग अरेजमेंट आ गया थोड़ा जिहा ठीक है कैलेंडर तो आ गया क्वेश्चन आ कंप्यूटर तो आ गया सो कंप्यूटर भी बहुत सौखा है कोई कंप्यूटर भी औखा नहीं है ये अपने कंप्यूटर वाले टीचर है जो दस देंगे उन्होंने भी खैर मैसेज आ रखा है कि जो उन्होंने कंप्यूटर करवाया तो उन्होंने विचों आया राइट है वो भी तुम्हें वीडियोज़ दे देंगे राइट है सो एक सही अप्रोच होनी चाहिए हमेशा सो इसे सही अप्रोच के नाल पढ़ो तो मैं पहले दस्या वैसे तो मैं स्टूडेंट को मैसेज किया होया कि तुसी पूरा पेपर मैनू क्लीयर थोड़ी जी PDF बना के भेज दो ताकि आप वधिया ढंग दे नाल एनालिसिस कर सकीए सो पहली गल तो मुबारक जिन्होंने बहुत वधिया ढंग दे नाल पेपर किया जे कोई कमी रह भी गई नो प्रॉब्लम यार 2021 थोड़ा ही है बहुत सारे पेपर आने चाहे वह PSSSB देन रहा चाहे पुडा देन रहा चाहे PSPC देन रहा चाहे किसी भी डिपार्टमेंट देन रहा PPSC देन रहा जिन्हें भी पेपर आ चाहे मास्टर कैडर आ लैक्चर आ रहा जिन्हें भी मैं हमेशा कहा कि सबजैक्ट की तैयारी करो आप कर दें भी जी तुम मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हो मास्टर कैडर की तैयारी कर लेना तुम पटवारी की कर दो आप चार पाँच बैच लै लें भावें एक बैच लो पर पेपर उन्हें ही आऊगा उ गल्ला बातें होंगे सारिया चीज़ा उत उवी पढ़ाई जाएंगी राइट सो थैंक यू सो मच बाबा मेहर करे चढ़ती कला तुम इस तरीके पढ़ते रहो तो आप होर नवी नवी वीडियो मिलते रहेंगे सो मेरे हिसाब से बहुत वधिया ढंग के नाल पेपर सॉल्व हो गया होना जो फिर भी कमी रहेगी कोई चक्कर नहीं अपना होर पेपर बथेरे पे आ कदें भी ओपरचुनिटी खत्म नहीं होंगी राइट हरेक पेपर थोड़ा कुछ ना कुछ सिखा के जाऊगा माड़िया मोटिया कमियां हरेक होंगे निकिया मोटिया गलतियां हरेक होंगे राइट बाकी मैं प्रॉपर एनालिसिस करूँगा हो सकता मैं बलर बहुत दिख रहा है राइट हो सकता मैं जो होर पेपर अपना क्लीयर करके आ जाए अपन सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे भी की गलबात है फिर आप उन्होंने एनालिसिस करा राइट सो बाय बाय टेक केयर।